नमस्कार दोस्तों, आज हम पैराथायरॉयड ग्लैंड ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। ये ग्रंथि उसी क्रम में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी सीरीज में ही हम पढ़ेंगे। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है सभी कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। ये थायरॉयड ग्रंथि जो है सतह पे होगी या अथवा धसी हुई अवस्था में मिलेगी जंतुओं के अंदर। साइक्लोस्टोमेटा एवं इलास्मोब्रेंकाई जो फिशेज हैं इसकी उपस्थिति इन दोनों फाइलम में नहीं पाई जाती है, लेकिन एम्फीबिया में ये हायर्ड उपास्थि पर एक जोड़ी लाल रंग की बॉडी के रूप में उपस्थित होती है। रेप्टाइल्स में देखें तो ये नेक रीजन में थायराइड ग्रंथि जो है पोस्टीरोलेटरल में दो जोड़ी के रूप में उपस्थित होती है। पक्षियों में ये एक भी हो सकती है या दो जोड़ी, लेकिन थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है। जो मैमल्स होते हैं जिसमें हम मुख्यतः मनुष्यों में देखा जाता है, तो ये दो जोड़ी ग्लैंडुलर बॉडी के रूप में थायराइड ग्लैंड के ऊपर उपस्थित होती है। इसकी खोज जो है रेनॉल्ड ने 1835 में की थी और इसके संरचना का वर्णन जो है वो सैंड्रोम ने 1880 में किया था। अब यदि हम डेवलपमेंट देखते हैं इस पैराथायरॉयड ग्लैंड का, तो ये ग्रंथि थायराइड की भांति ग्रसनी भाग से बने उद्धर्ध की उपकला से विकसित होती है। ये यानी कि फेरेंजियल पाउचेस से बनती है। अब हम इसकी संरचना देखें थायराइड ग्रंथि की, तो ये पृष्ठ सतह में धंसी हुई दो जोड़ी स्ट्रक्चर है, दो जोड़ी जिसमें कह सकते हो आप चार लोब्स उपस्थित होते हैं। प्रत्येक पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है वो संयोजी उत्तक से बने कैप्सूल से द्वारा घिरी रहती है। कैप्सूल में अनेक सेप्टा ग्रंथि के पिंडकों को अपूर्णतः विभक्त करते हैं। मनुष्य में ये चार छोटी, जो मैंने पहले भी बताया, अंडाकार स्ट्रक्चर है, ये पीले भूरे रंग की है। यदि हम इसका साइज देखते हैं तो ये 6x3x2 mm की होती है और वेट होता है वो ऊपर भी बताया 0.01 से 0.03 ग्राम तक होता है। और यदि इसकी ब्लड सप्लाई देखें पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो ये अधिथायरॉयड धमनियों द्वारा ब्लड का सप्लाई होता है और ये वैसो मोटर जो तंत्रिका होती है उसके द्वारा वेधित रहती है। टिश्यू लेवल पर अध्ययन करते हैं तो ये प्रत्येक पिंड जो होता है एपिथेलियल कोशिकाओं से बना होता है। इसमें बीच बीच के अंदर ब्लड सप्लाई भी उपस्थित होती है। इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रिंसिपल और चीफ सेल, ऑक्सीफल या इओसिनोफिल सेल। सेकंड जो हम बोल रही हूँ मैं, ऑक्सीफिल और इओसिनोफिल सेल। ऑक्सीफिल जो होती है सेल, ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इनकी संख्या में भी वृद्धि होती है और ये दोनों की दोनों कोशिकाएं बराबर में पैराथार्मोन हार्मोन या का स्रवण करती रहती है। अब हम इसके बारे में इस हार्मोन्स, इससे निकलने वाले हार्मोन्स का यदि अध्ययन करें, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रवित हार्मोन को हम पैराथार्मोन कहते हैं। इसकी जो खोज थी वो जेडी कॉलिप ने 1925 में की थी। इस हार्मोन का मॉलिकुलर लेवल देखें तो ये 83 अमीनो एसिड्स का बना हुआ एक सिंपल चेन है, लेकिन प्रोटीन इसका जटिल है। इसका मॉलिकुलर वेट है 9500 होता है। इसके फंक्शन देखें पैराथार्मोन के, तो मृक नली पुनः अवशोषण बढ़ाता है। इसके प्रभाव से फास्फोरस और पोटाशियम जो है उसके अवशोषण में कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में कैल्शियम लेवल की वृद्धि हो जाती है। तो ये सिंपल है, यदि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करेगा या अवशोषण पुनः करेगा तो उसके उसको देना क्या पड़ेगा,
फास्फोरस व पोटेशियम का अवशोषण में कमी हो जाएगी। अब हम यदि इसके और कहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, वो इंटेस्टाइनल लेवल पे होता है। भोजन में उपस्थित कैल्शियम व फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है, इसमें भी विटामिन डी सहायक होता है। थर्ड हमारा जो है रक्त में उपस्थित कैल्शियम व फास्फोरस ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं में प्रवेश करता है और फिर अस्थियां मजबूत बनती है। कैल्शियम के पुनः अवशोषण के समय बॉडी में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, अस्थियों में कैल्शियम निकल करके ब्लड में आ जाता है। तो ये सब है कि हमने देखा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इसने बनाए रखना है, इसके प्रभाव से मेमरी ग्लैंड से कैल्शियम के स्रवण दुग्ध में कम स्रवित होता है। इसकी अनुपस्थिति में क्या होता है, विटामिन डी भी अपना भली भांति कार्य संभव नहीं कर पाता है। ये यदि कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है तो अर्थात ये कैल्सिटोनिन के विपरीत कार्य करता है। ये अपने थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने कैल्सिटोनिन को पढ़ा था। अब हम इसके बाद इसकी ग्रंथि के डिसऑर्डर्स देखें, पैराथायराइड ग्लैंड के क्या क्या अपसामान्य अवस्थाएं या डिसऑर्डर्स हैं। तो या तो इसकी कमी होगी तो उसको हम बोलते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म, यदि इसकी अधिकता होगी पैराथार्मोन की तो हम उसको बोलेंगे हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोपैराथायरोडिज्म। पैराथायराइड ग्रंथि के कम सक्रिय होने पर पीटीएच मात्रा में कमी के कारण टेटनी नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण देखें तो जबड़ों का बिचना यानी लॉकिंग जॉस, पेशियां अकड़ने, कंपन व थिरकन का होना, रक्त में कैल्शियम का कम होना यानी हाइपोकैल्सीमिया, सांस का तेज आना, सांस लेते समय आवाज़ भी आनी और पल्स रेट बढ़ जानी, टेम्परेचर बढ़ जाना, लार का अधिक मात्रा में निकलना, इसके अधिक समय तक बने रहने पर क्या होगा, रोगी की मृत्यु भी हो जाएगी। तो ये है हाइपोपैराथायरोडिज्म के कुछ लक्षण। अब हम देखते हैं हाइपर पैराथायरोडिज्म से क्या होता है। हाइपर पैराथायरोडिज्म के कारण हम जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगी, अधिक सक्रिय होगी तो पैराथार्मोन पीटीएच की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे अस्थियों से क्या होगा, कैल्शियम निकलने लगेगा और उससे ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाएगा। बॉडी फ्लूड में कैल्शियम का जो लेवल है वो उसकी भी मात्रा अधिक हो जाएगी। मात्रा अधिक होगी तो हमेशा जी मिचलाने लग जाएगा, ब्लड में इतना कैल्शियम है, इतना हैवी ब्लड चल रहा है तो क्या होगा, जी मिचलाएगा, भूख कम लगेगी और जो यूरिन है उसका हमेशा प्रेशर रहेगा और पेशियां जो है वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी और मस्तिष्क है वो इतने हैवी ब्लड से कैसे काम करेगा, मूत्र का भी मस्तिष्क भी काम करना कम होने लग जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे बॉडी में पीटीएच जो है वो बढ़ने से कुछ लक्षण आएंगे और धमनियों की भित्ति में क्या होगा, उसमें कैल्शियम जमा होने लग जाएगा, अटैक आना की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह करके इसकी अधिकता भी खतरनाक है और इसकी कमी भी खतरनाक होती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस पैराथायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है। तो पैराथायराइड का स्रवण जो है वो रक्त में कैल्शियम के स्तर से, रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है, कैल्शियम की सांद्रता के रक्त में बढ़ने पर पीटीएच का स्रवण घट जाता है, यानी कैल्शियम और पीटीएच आपस में नियंत्रित कर लेते हैं। और दूसरा नियंत्रण थायराइड ग्रंथि का एक हार्मोन है कैल्सिटोनिन, वो भी पीटीएच की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जब पैराथार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम में वृद्धि होती है तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम को कम कर देता है। इस तरह पैराथायराइड ग्लैंड एक रिलीजिंग फैक्टर की तरह काम करता है और कैल्सिटोनिन पर भी नियंत्रित करता है।
इस तरह करके पैराथायरॉयड ग्रंथि भी और तरह की सभी ग्रंथियों की तरह हमारे शरीर में एक मुख्य ग्रंथ एंडोक्राइन ग्लैंड है। थैंक यू सो मच।